वो है हमारा बारबेक्यू का पूरा सामान। तू वहाँ से गिर भाई नीचे, मजा आएगा। गिर टॉप पे खड़ा हूँ, देखो टॉप पे खड़ा हूँ। इसीलिए तो राइड के मजे आ जाते गाइस। सिंपल के आग लगा, देखो क्या क्या है। हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि हम हमारे फार्म हाउस आकर बेचारे हम राइड पे। हमारा दोस्त अभी आया है, ये देखो। और ये रहे हमारी गाड़ियाँ, बाहर ही है। यहाँ से हम एक स्पॉट जा रहे हैं जो यहाँ से नियर अबाउट 50 से 60 किलोमीटर है। मुझे भी नहीं पता ठीक से कितना किलोमीटर है। तो अभी वो राइट पे जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मोटो व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं मेरे फार्म हाउस से, हम अभी जा रहे हैं एक राइड पे। और ये राइड पूरा अनप्लान था। सुबह मेरे दोस्त शंकर ने फोन किया कि भाई तू कहाँ है। मैंने उसको बोला कि मैं फार्म हाउस में हूँ। तो उसने बोला कि कैन आई कम। मैंने बोला नहीं, क्यों, पूछ आ जाओ। तो वो आ गया और हमने सोचा एक राइड ले ले, क्योंकि हम दोनों फ्रस्ट्रेट थे और हम दोनों को थेरेपी और रिलैक्समेंट चाहिए था। और हम लोग है बाइकर्स, तो बाइकर्स को थेरेपी ऐसी मिलती है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं राइड पे। और मज़े की बात ये है, हमने आगे में वो है शंकर और आगे में हमने बारबेक्यू का पूरा सामान ले लिया है। पूरा एकदम मैरिनेट वगैरह हो चुका है चिकन, जो पिछले वीडियो में मैंने जिस बारे में आपको बोला था। नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यू व्लॉग है। कि ये मेरा बड़ा भाई कजन ब्रदर है श्रीनिवास, पीछे सुजय बैठा है और वो चला रहा है शंकर। भाई कुछ बोल दो। और भाई वो थोड़ा सा शॉक था कि क्या बोलूं। हम लोग जा रहे हैं रेगड़ी। और गाइस ये रोड जो है ना, ये रोड इतना मतलब एडवेंचरस रोड। नदी आएगा, ऑफ रोड आएगा, उसके बाद वो डैम आएगा गाइस, देखने लायक जगह होंगे आई गेस। और सुबह से हम बारिश का इंतजार कर रहे थे, अभी दोपहर के 2 बज रहे, तो टाइम तो नहीं हुआ है बारिश, मतलब बारिश तो अभी तक मेहरबान हुई नहीं है, लेकिन जल्दी आई होप सो कि बारिश आ जाए। नहीं आएगी तो भी चलेगा, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, प्लीजेंट वेदर है एकदम, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बारिश आए या ना आए, आज आपका भाई बारबेक्यू बना के ही छोड़ेगा। मज़ा आ रहा है यार, और अपना दोस्त भी आ गया है तो मज़ा दुगना हो गया है। और बढ़िया रास्ता एंजॉय कर रहे, एकदम बढ़िया लग रहा है। होए 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 होए, गाड़ी वोबल कर रही गाइस, देखो हाथ छोड़ने पे गाड़ी वोबल कर रही। और ये हमारे भाई लोग गाने वाने एंजॉय करते हुए जा रहे, बढ़िया रास्ता एंजॉय करते हुए, और हम भी रास्ता एंजॉय कर रहे। ये गाने गा रहे, हम आपसे बात कर रहे, दिल की बातें कर रहे। क्या हुआ? ओहो, ये मेरा भाई कार्टून है वैसे, तो वो गाने गा रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा, बात एक ही है, वो गानों में खुशी ढूंढ रहे, मुझे आप लोगों से बात करने में खुशी मिल रही। अच्छा है, सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज पैक। ओके, तो आगे गांव आ गया है गाइस। तो अभी ये गांव में देखते, भाई कोल्ड ड्रिंक लेना है ना अपने को? हाँ, अरे हाँ, गर्म हो जाएंगी, बराबर है, वो उधर से लेते। सही है गाइस, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेना सही नहीं है। वाह, पेड़ देखो, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा। तो और हमें अभी भी काफ़ी लंबा जाना है, तो थोड़ा सा तो जहाँ हम जा रहे हैं उसके 1 किलोमीटर पहले दुकान वगैरह आ जाएगा, तो वहाँ से हम ले लेंगे। इसके पहले भी मैं गया हूँ बहुत बार, आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी के कुछ प्यारे पल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, शादीशुदा इंसान हूँ मैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। आई एम अ मैरिड मैन। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, मेरी एक प्यारी सी बीवी है, मेरी एक प्यारे से फैमिली है जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। तो मुझे यूट्यूब के लिए भी उन लोगों ने इनकरेज किया है कि यू कैन डू इट, सीख लो, कर लो। तो सब उन्हीं की देन है। मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी लकी चाम है दोनों, इन दोनों ने मुझे मोटिवेट किया, इन दोनों ने मुझे बोला है कि कर, कुछ नहीं होगा, करो, कुछ नहीं होगा। तो यही है, और आप लोग प्यार दे रहे हो, थैंक यू इसके लिए, और ऐसे ही देते रहो। और ये लोग आगे भग गए, लेकिन गाइस दिल से बातें निकल रही मेरी, क्योंकि मुझे पता है एक बाइकर ही समझ सकता है बाइकर की फीलिंग। और गाइस ये देखो, वाह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये व्लॉग मैं बहुत लंबा बनाऊँ। कोशिश करूँगा गाइस इसे थोड़ा बड़ा बनाने की, अगर लगा, मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, तो फिर मैं इसको बड़ा रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा मतलब जो आज मैं कर रहा हूँ इसे मैं मेमोरी में रिकॉर्ड रखूँ। थोड़ा टर्निंग पे थोड़ा धीरे। वाओ, I don't know कैमरा एंगल ठीक होगा गाइस। मैं घर जाके पहले मैं हेलमेट माउंट ले लूँगा, क्योंकि कैमरा एंगल चेस्ट माउंट पे थोड़ा सा गड़बड़ करता है, इसलिए मैं चेस्ट अप करके गाड़ी चला रहा हूँ। इतना सही रास्ता है ना गाइस ये, मतलब देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बड़ा टर्न आ गया, थोड़ा सा हैंडल पे हाथ रखना पड़ेगा। वाओ गाइस देखो, जोरदार एपिक चुम्बेश्वरी मौसम, चुम्बेश्वरी रास्ता,
गाइस ये एंजॉय करो आप लोग, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी फुटेज दे पाऊँ। मैं चेस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेट करके बैठ रहा हूँ बाइक पे, हालांकि मेरी बाइक पे ऐसे बैठ नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा नज़ारे का मज़ा दे। ये पहाड़ है गाइस, ये वाले पहाड़ पे मैं और शंकर चढ़े थे एक बार। क्या हुआ, चढ़ना है? हाँ हाँ याद है याद है, अभी इन लोगों को बता रहा था यहाँ पे चढ़े थे करके अपन। देखो गाइस ये कोई जंगल सफारी से कम नहीं है, बस कार नहीं लाए इस बार बाइक से आए। नाइट ड्राइव का एपिसोड तो इधर भी बन सकता है। जिस दिन गाइस कार लेके फार्म हाउस आएंगे ना, आपको नाइट ड्राइव देंगे। भाई तेरे को याद है कि यहाँ पे अपने को भालू मिला था, और गाइस यहाँ पे हमने भालू वगैरह भी देखा है। तो रात को बहुत एनिमल साइटिंग होती है, तो नाइट ड्राइव का एपिसोड यहाँ बहुत चुम्बेश्वरी बनेगा। कि यहाँ पे थोड़ा सा खराब रास्ता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सो फार सो गुड, बढ़िया है। राइड के फुल ऑन मज़े लिए जा रहे गाइस, यही तो होता है बाइक लेके घूमने का फ़ायदा, कि आप नेचर को फील करते हो। कार में भी करते हो, लेकिन वो फीलिंग कार में नहीं है जो बाइक से घूमने में है गाइस। तो बाइक लवर्स लाइक करो वीडियो को। यहाँ से पैच तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी भगाते हैं। यहाँ के गाइस यहाँ का जो वीडियो है यहाँ बहुत वायरल हुआ था, एक टाइगर क्रॉस कर रहा था ये शेड के पास से, अभी जो शेड गया बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। यहाँ अभी शायद थोड़ा सा, तो एक पैच मिल गया अपने को, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करते अपन। लेकिन टर्न आ जा रहा, अब टर्न नहीं कहाँ, अच्छा रास्ता है यार, कोई ना। अरे भाई साहब झटके, ओ माय गॉड, ये जो झटके है ना, कैमरा माउंट चेक कर लो, क्योंकि कई झटकों में कैमरा माउंट नीचे हो रहा है मेरा, मैंने नोटिस किया है। दो व्लॉग में ये हो गया है, जो अपने मैं जब फार्म हाउस आ रहा था उसमें भी आष्टी में हो गया था, मेरी बैग भी गिरी थी वो मोमेंट पे। तो ये और एक गांव आ गया, शायद ये गांव का नाम देवदा है। ये देवदा गांव से अभी एक नदी आएंगी देवदा गांव क्रॉस करने के बाद, वो नदी भी बहुत प्यारी है वैसे। देखो गाइस फील होता है ना, कितना प्यारा लग रहा है ये पेड़, देखो सीन यार, चुम्बेश्वरी सीन है यहाँ के। और गाइस ये गांव में अभी तक टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नहीं है, मतलब एक ओल्ड स्कूल वाली वाइब आती है, जो पुराने ज़मानों के वाइब थे ना वो वाइब है ये गांव में, इधर साइड के गांव में। पेड़ों देखो, बाइक पे बर्तन लेके जा रहे है, क्या हुआ रहा है, शादी वादी है क्या, हाँ मीटिंग, अच्छा हर गाँव में मीटिंग हो रहा है, हमारे गाँव में भी मीटिंग हो रहा था। देखो गाइस कैसे देख रहे, खुशी हो रही इनको देख के भी, बहुत प्यारे खिलखिलाते चेहरे थे गाइस, मेरे पे लोग देख के हंस रहे थे, अच्छा लगा देख के, दिन बना दे इन लोगों ने। व्यू तो अभी भी बाकी है गाइस, रेगड़ी के डैम के ऊपर जो व्यू आएगा ना, और तब तक बारिश भी आ जाए तो मज़ा दुगना हो जाएगा। लेकिन वहाँ से जो व्यू आएगा बहुत ख़तरनाक वाला व्यू आएगा वो, काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको ड्रोन शॉट देता वो वाला, बहुत प्यारा व्यू आएगा गाइस वो। हम लोग डैम के ऊपर से जाएंगे ऐसे, अब वो आपको दिखाएंगे, ज़्यादा बोल के कोई मतलब नहीं है, आपको दिखा देंगे, तो आप बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं वो व्यू थोड़ी देर में। ओ गाइस तो ये देखो नदी आ गई, और यहाँ से हम उतर रहे हैं, नदी में थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा रुकते पहले शॉट लेते हैं, एक दो शॉट मतलब ऐसी टिक 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 टिक। अरे भाई साहब ये देखो गाइस, यहाँ से जाना है अपने को। तो दोस्तों देखो यहाँ से 360 व्यू देखो, ये है हमारी बाइक, ये मेरा भाई सिन्नी, ये है हम शंकर की बाइक, और ये देखो 360 व्यू। शंकर यार तू गिरने वाला था है ना, यहाँ पे गिरने वाला था तू लास्ट टाइम, हाँ बहुत ज़ोर से गिरने वाला था गाइस ये, और मज़े आ रहे, और रास्ता बहुत प्यारा है गाइस। यार थोड़ा सा रुके, लास्ट टाइम सिन्नी भाई कहाँ दिखा था अपने को भालू, वो उधर वो जो सफेद वाला दिख रहा है गाइस, वहाँ पे हमें भालू दिखा था, वो झाड़ पे चढ़ा, वो जो पैर का निशान है वहाँ पैर का, हाँ, वो पैर वाला निशान में वही झाड़ पे चढ़ गया था, वो वाला जो पेड़ है गाइस वो पेड़ से ऊपर चढ़ गया था, पेड़ का निशान। यहाँ थोड़ी देर रुके, वो है हमारा बारबेक्यू का पूरा सामान, उसमें पूरा कोयला है, चिकन है, मैरिनेट वाला चिकन है, पानी है, सारी चीजें है वहाँ पे, हम अभी उसको भी करेंगे। रेगड़ी जाने का 3-4 रूट है, ये वाला सबसे छोटा रूट है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। अब ये लोग थोड़ा बंदर जैसे खेल रहे, तो खेल लेते हम थोड़ा सा रुकते हैं। तू वहाँ से गिर भाई नीचे, मजा आएगा, गिरना नीचे, गिरना नीचे, हाँ रेडी गिर,
अरे भाई साहब क्या सेक्सी लुक दिया यार तूने, हाय हाय हाय। देखो ये पेड़, ये पेड़ पे मेरे को भी चढ़ना है भाई, पकड़ना इसको थोड़ा। अरे ये तो पूरा सीधा है। देखो बोलो इजी है गाइस, ये बहुत इजी है बिना हाथ के चढ़ गए आप तो। मैं हूँ दुनिया का सबसे ऊंची जगह, मैं हूँ गाइस टॉप पे, देखो टॉप पे, मैं टॉप पे खड़ा हूँ, देखो टॉप पे खड़ा हूँ, टॉप पे खड़ा हूँ, देखो टॉप पे खड़ा हूँ। ये तो रैप बना दिया, रैप बना दिया। नहीं, देखो वो बंदा भी कहाँ पे चले गया, देखो भारी भारी डाल दूरी में खड़ा हूँ, वो दूर में है। आओ चले नदिया के पार, नदिया के पार ही है नदी, हाँ नदिया के पार है, नदिया के किनारा है, पार में नहीं है। सॉरी माफ कर। ओके गाइस, ऊपर से कुछ इस तरीके के नजारे आ रहे गाइस, ये देखो नजारे यहाँ से भी सही है। और हमने हेलमेट निकाल दिया है क्योंकि यहाँ खड़े होके गर्मी बहुत हो रही थी, तो रुक गए हम थोड़ा। और ये देखो ये इंसान हेलमेट पहन के पेड़ पे चढ़ रहा है, मैंने बोला कि हेलमेट पकड़ थोड़ा, और ये हेलमेट खुद पहन लिया। तो गाइस थोड़े से मस्ती कर लिए नदी पे और अभी निकल रहे हैं रेकड़ी के लिए। अब क्या करें, अब थोड़े से लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हमें। काफ़ी मज़े आ रहे हमको भी, नेचर एंजॉय हो रहा है, फुल ऑन नेचर एंजॉय किए हम लोगों ने। तो गाइस रेकड़ी आ गई है, रेकड़ी का छोटा सा बाज़ार है, आज संडे है तो यहाँ बाज़ार लगा है। तो और ये रहा वो डैम, वहाँ से रास्ता बंद है, हमें नीचे से जाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे नीचे से गाइस, अभी थोड़ी देर में आपको चुम्बेश्वरी व्यूज़ दिखाएंगे। नहीं है ना यहाँ से रोड नहीं है, ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, और ये रोड है, ये रोड है ये वाला, इजी टू इजी, इससे ज़्यादा खतरनाक तो उधर के रोड है, टू इजी। ये चढ़ गए, ये चढ़ गए हम। तो गाइस देखो सीन, देखो यार कितना प्यारा है, यही सीन के लिए आया था मैं। वाव, और बरसात का मौसम हो रहा है, 90% श्योरिटी है कि बारिश आएंगी, एक दो बूंद मेरे हेलमेट पे भी गिरा है, लेकिन वो हवा चल रही है तो शायद बारिश भाग जाए, लेकिन ये बदनाम बारिश ना भागे। सीन देखो गाइस कितना प्यारा है, गाइस कितना प्यारा है, अभी यहाँ बारबेक्यू लगाएंगे गाइस, क्या सीन है, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया, सही में मज़ा आ गया, वाइब है बॉस। थोड़ा सा आप एंजॉय करो राइड को, मैं थोड़े देर के लिए शांत रहता हूँ। फील देखो यार यहाँ की, तो गाइज ये जो है यहाँ पे पानी मेजरमेंट होता है कितना डीप है कितना क्या है, और ये पानी पूरा यहाँ के लोकल गांव एरिया में जाता है, तो ये भी सीन है यहाँ पे। तो गाइज आई डोंट नो वेदर वो रास्ता दिख रहा है या नहीं, अभी हम वहाँ से उतरेंगे और वो रोड से जाएंगे। इतने अभी आइलैंड के पास जो आ गए, मैं इसे आइलैंड बोल रहा हूँ लेकिन आइलैंड नहीं है, लेकिन वो आइलैंड जैसा दिखता है इसलिए मैं उसको आइलैंड बोल रहा हूँ, तो डोंट कोट मी ऑन दिस, नहीं तो बोलोगे कि नदी में आइलैंड आ गया। नहीं गाइज ऐसा नहीं, अपने को बस लगा बोलना, मतलब मेरे को वाइब लगी आइलैंड वाली तो मैंने बोल दिया। तो गाइस देखो ये जो रोड गया है, ये रोड गया है गार्डन की तरफ, इधर है गार्डन और ये शेड है ऐसी, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। तो गाइस अभी जो गाड़ी के साथ मस्ती किया उसमें मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हेलमेट आगे जा रहा था, मुझे आगे का नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा झुक के खड़ा हुआ, ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ। और देखो गाइस व्यूज़ देखो यार, बारबेक्यू का टाइम है, व्यू ऐसा है बॉस, चुम्बेश्वरी व्यू है। ओए ये है
है बारबेक्यू की जगह गाइस। फाइनली आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी मेट एंड मेक बारबेक्यू एंड दैट्स ऑसम थिंग एंड थैंकफुल। आई एम थैंकफुल फॉर दिस नेचर, आई लव दिस, आई एम ग्रेटफुल। अच्छा लग रहा है। ये है हमारा स्टॉक गाइस, इसमें है पानी, इसमें तो आपको पता ही है थम्स अप, टेस्ट द थंडर, उसमें है चिकन मैरिनेट। अभी जो नाश्ता खरीदे गरम नाश्ता। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी बारबेक्यू के लिए सब सामान रेडी कर रहे हैं। खोल तिजोरी, खोल रहे और टेंशन मत लो गाइस, वो हमारी बैग है, जाते वक्त हम सारा कचरा वो बैग में भरेंगे, वापस साथ में लेके जाएंगे। खजाना निकाल रहा। टन 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 टक टक, अभी बनाएंगे सब। क्या सामान निकाल लिए, तो अभी बनाएंगे गाइस बारबेक्यू। और बादल तो गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है लेकिन बरसा नहीं है अभी तक, तो बस बरसने का देर है, बस बरसने की देर है, बस बरस जाए तो मजा आ जाए, बस थोड़ी देर बाद बरसे। हाँ एक बार बारबेक्यू लग जाए, बारबेक्यू एक बार लग जाए उसके बाद बरसे। तो गाइस वहाँ पे हम बारबेक्यू कर रहे थे लेकिन बारिश की बूंदे गिरना चालू हो गई तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और अच्छी बात यह है कि आज ये दरवाजा खुला है, मतलब हमेशा जब भी हम आए 4-5 बार ये दरवाजा लॉक रहता था और आज खुला है। लेकिन खुला है तो देखो इसका साइड इफेक्ट भी हुआ है, लोग मतलब सुधरेंगे नहीं। तो बारबेक्यू अभी इसके नीचे करेंगे, मैं हटा देता हूँ अंदर जाके आग, अभी वो आग जलाएंगा। गाइस देखो ये इंसान इसको बोला संभल के आग लगा, देखो क्या किया इसने, इन्हें लागे आग लगा दिया है। उसको हवा दे बाबू, इसको हवा दे। ये लोग अभी बारबेक्यू जलाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बज गए, जल गया, 4 बज गए, अभी टाइम लगेगा। बारिश आ रही और हम लोग थोड़ा वहां जाकर आ रहे, वहां एक ट्री हाउस है देख कर आते। चल भाई ट्री हाउस देख कर आते, अंदर मतलब वो शेड से दिखता ना, वही शेड पे ही जा रहे, तो अभी शेड में जा रहे गाइस। पूरी बारिश भीगी रिमझिम बरसात आ रही, प्यारी सी, मस्त लग रहा ना भाई, बहुत बढ़िया। कुछ बोल फिर इन्फॉर्मेटिव। कुछ नहीं बस यहाँ पे एक बार, मतलब कई बार आए लेकिन ये जो मौसम है वो यहाँ पे जैसा मिलता है ना वहाँ पे हर बार नहीं मिलता। हाँ मतलब रेगुलर हमें नाराज नहीं करते, नाराज नहीं किया आज तक। वो देखो ये वाला गेट है गाइस, ये गेट से 4-व्हीलर आती है नीचे से, पूरा घूम के आना पड़ता है। अभी हम लोगों ने सोचा है कि कभी तो भी यहाँ कैंपिंग करे गाड़ी लेके आके, पता नहीं कब होगा, एक विश लिस्ट बकेट लिस्ट में डाल दिया उसको। वॉशरूम भी है। हाँ वॉशरूम है ना, वहाँ पानी नहीं है लेकिन हम गए थे। तो गाइस ये देखो शेर और हम एकदम खुले में घूम रहे, इधर आजू-बाजू जंगल ही जंगल। लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा। और यहाँ से 360 व्यूज लेते हुए हमारे शंकर भाई, ये देखो कितनी प्यारी जगह है गाइस। हमारा राइड वर्थ इट था और हम लोग हेलमेट लेकर आए, राइडिंग जैकेट, रेन कोट सब घर पे रख के आए, और अभी आ रहे हम ऐसी हाफ पैंट पे आगे घूमते। अरे लेकिन मजा आ रहा है। ये है पानी ऊपर से आ रही है बारिश, यहाँ हो रहा है मौसम सुहाना। और ये देखो हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है, 438 हो रहा है और अभी हमने आग लगाई है प्रॉपरली बारबेक्यू को, तो वो एक पीस तैयार हो रहा है, वो देखो एक तैयार हो गया। और ये लोग थोड़ा सा मशक्कत कर रहे, थोड़ा मशक्कत कर रहे लोग। और देखो वो वाला यहाँ पे रखना था, ये साइड का उधर पीस। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली हम बारबेक्यू बना रहे। इधर देखो थंबनेल लेते, इधर देखो गाइस जूसी टेस्टी बारबेक्यू का पहला सर्विंग हमने बना लिया है और ये वाले फील के साथ खा रहे, तो मजा आ रहा है गाइस। तो फाइनली हम लोगों का खाना वगैरह हो गया है, बारबेक्यू खत्म, अभी निकलेंगे हम घर के लिए। अभी बज रहे 5, जल्दी से 40 मिनट में हमने पूरा रेडी करके खा लिए, ये खा ही रहा है हड्डी गाइस। ये हम अभी साफ वगैरह करेंगे या कुछ नहीं रखेंगे, सब हम हमारे वो रेड वाले बैग में लेके जाएंगे। और ये मौसम में चाय बनता है क्या, ब्लैक कॉफी क्या डाइटिंग रहे, ये बारिश इतनी प्यारी है खाए की डाइटिंग, घर पे जाके करेंगे डाइटिंग। थोड़ी देर में अपन मिलेंगे, ये निब्बा है जो खुद को ग्रेट समझ रहा है लेकिन गांडू निकला है पूरा का पूरा।